ओम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी अपडेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से आ रही है जिसमें कि एक लेटर जारी हुआ है बैड राज, राजेश कोटेचा के द्वारा जिसमें कि ये कहा गया है कि जो भी एन एच एम में यानी नेशनल हेल्थ मिशन में काम कर रहे हैं मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष में उनके लिए एक सर्वे किया जा रहा है अब उस सर्वे में जो है कि क्या किया जाएगा उसके लिए हम आपको बताते हैं तो उसके पहले अगर आप हमारे होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो रीडर के यूट्यूब चैनल को लोगों तक शेयर करिए तो आइए शुरू करते हैं तो इस समय मैंने जो है कि उस सर्वे का जो लिंक है वो आपकी तरह आपको उसमें मैं ओपन कर चुका हूँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एन ए एम आयूस डॉट जी ओ वी डॉट इन अब्लिक एम आई एस अब्लिक एक सर्वे तो ये चीज़ें जो है आपको मैं जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा तो सर्वे के अनुसार क्या है तो सर्वे में आयुष डॉक्टर जो एनएचएम के अंदर काम कर रहे हैं उसका स्टेटस जानने की कोशिश करी जाएगी और साथ में जाना जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट पीएससी, सीएससी और जी में जो आयुष फिजिशियन पोस्टेड हैं वो जो है उनकी रोल को अंडरस्टैंड करने के लिए सर्वे किया जा रहा है आयुष के जो डॉक्टर हैं वो जनरली पब्लिक हेल्थ फैकल्टी में किस तरह काम कर रहे हैं तो इसके लिए जो है कि ये सर्वे किया जा रहा है आइए अब उस सर्वे के लिए हम आपको बताते हैं कि इसमें सर्वे में आपको कैसे जो है सर्वे में हिस्सा लेना है तो उसके लिए जो है मैं आपको ये लेटर दिखा देता हूं जो वैद्य राजेश कु के द्वारा जो है कि जारी किया गया था आप इस समय देख सकते हैं स्क्रीन पर ये लेटर है और इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा तो वेबसाइट पर जाने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है इसकी वेबसाइट का जो लिंक है मैं वो दे भी दूंगा सर्वे का लिंक उसके तहत जो है जितने भी एन के अंदर आयुष फिजिसियन कार्यरत हैं वो जो है इस सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं तो उस सर्वे में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आपको जो लिंक है उस पर क्लिक करना होगा आइए तो उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुलेगा जब इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा तो उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे जो गेट स्टार्ट है इस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको इस पर जो है कोई भी एक नंबर डालना होगा नंबर डालने के बाद आप मोबाइल नंबर जो भी डालेंगे उसके बाद आपका जो है एक तरह से ओ जो है उसी मोबाइल नंबर पर आएगी ओ आती है उस मोबाइल नंबर पर तो उस मोबाइल नंबर पर जो ओ आएगी उसको जो है आपको इसमें एंट्री देना होगा तो ओ जो है मुझे मिल चुकी है ओ को आपको इस पर एंट्री देना है तो ओ टी एंट्री देने के लिए जो है मैं ओ टी पी इस पर करता हूँ सेवन तो जो है कुछ इस तरह का पेज खुलता है देखिए इसमें जो सर्वे में जो है इस तरह का पेज खुल के आ रहा है तो ये ए, एक है प्राइमरी इंफॉर्मेशन की नेम ऑफ आई डॉक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ जेंडर क्वालिफिकेशन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कब से आप जो है एन एच एम में कार्यरत हैं मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या रहा है कि कंट्रेक्चुअल है आउटसोर्सिंग है कि रेगुलर है अब उसके बाद आपकी सैलरी कितनी है उसके बाद आपके अलाउंस पर मंथ दिया जाता है कोई तो इसमें देखिए ये सब चीज़ें हैं कि जैसे ई पी एफ ई एस आई इस्पेशल इन्वामेंट ऐसा हार्ड एरिया अलाउंस इस तरह का जो है अलाउंस होता है तो इनमें से आपको कोई दिया जाता है तो इससे के तहत जो है कि इस तरह का सर्वे कराने का मकसद ये है कि पूरे देश भर में जो एन के कार्यकर्ता हैं उनको कोई अलाउंस मिलता है कोई सुविधा मिलती है कि नहीं वो सब भी इस सर्वे में शामिल किया गया है उसके बाद जो है कि देखिए दूसरा ऑप्शन है कि यू आर मैनेजिंग हेल्थ फैकल्टी एज ए मेडिकल ऑफिसर एलाउन कोई वहाँ पे एलोपैथ डॉक्टर नहीं है तो इस तरह का है टोटल नंबर ऑफ़ डेज इलिजिबल पर डेज कितना छुट्टियाँ लेते हैं ये रिन्यूअल मेथड क्या है कि हर यली होता है कि हर दो साल पे होता है कि पाँच साल पे होता है पे स्केल e कितना बढ़ता है आपका वो सब आपको जानकारी देना है किस स्टेट से आते हैं किस फैकल्टी में काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रोल आपका क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल क्या है साथ में आपका जो रोल है उसकी अटैच कॉपी भी आपको करनी है क्यूरेटिव रोल क्या है अवेलेबल आयुष फैकल्टी है कि नहीं वहाँ ट्रीटमेंट अगर नहीं नंबर आप प्रोसीजर पर डे कितना होता है दवाएं उपलब्ध है कि नहीं आयुष की ये सब चीज़ें आपको देना है फिर उसके बाद जो है आपको क्या जितनी दवाएं रहनी चाहिए उतनी वहाँ पे इंस्टीट्यूशन में उपलब्ध है कि नहीं ये सब है फिर उसके बाद नेशनल प्रोग्राम का क्वेश्चन में है कि आप जो है आयुष डॉक्टर अंडर एनएचएम में इन्वॉल्व है नेशनल प्रोग्राम में तो उसके बाद जो है आपको क्या किया जाता है मॉनिटरिंग में फिर उसके बाद इन लिस्टिंग में नेशनल प्रोग्राम में क्या क्या है ये सब चीज़ें जानकारी देनी है एडिशनल जानकारी में देखिए ये सब जानकारी आपको देनी है सब चला आ रहा है फिर उसके बाद यानी अदर जो है जानकारी देने के बाद आपको इसको सेव करके जो है आगे की तरफ बढ़ जाना है तो ये एक सर्वे में हिस्सा लेने का इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा तो वहाँ से आप इसको जो है देख सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सर्वे है जिससे हो सकता है आयुष में जो है कि आयुष में इसके तहत जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बढ़ावा मिले और साथ में जो आयुष के अंदर कार्यरत लोग हैं उनकी भी सुविधाओं में बढ़ावा मिले तो ये सब चीज़ें हैं ये आप न्यूज आयु आयुष की जो सर्वे वाली है वो होमियो रीडर की तरफ से देख रहे हैं आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत